दोस्तों आइए जानते हैं जामा मस्जिद दिल्ली का इतिहास। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है, जो कि दिल्ली में है, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने 1656 ईस्वी में बनवाया था। इतिहासकारों का कहना है कि 5000 कारीगरों ने शाहजहांबाद में पहाड़ी भोजाल पर मस्जिद जहान नुमा या जामा मस्जिद का निर्माण किया। यहाँ के प्रांगण में 25,000 लोग एक साथ अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। पुरानी दिल्ली में इस मस्जिद की वास्तुकला में हिंदू और इस्लामी शैलियों का प्रदर्शन किया गया है। आगरा में लाल किले में मोती मस्जिद को दोहराने के लिए इसे बनाया गया था। पौराणिक कथा कहती है कि मस्जिद की दीवारें एक निश्चित कोण पर झुकी हुई हैं, ताकि अगर भूकंप आए तो दीवारें बाहर की ओर गिरेंगी। मुगल स्थापत्य के बेहतरीन नमूनों में से एक दिल्ली का जामा मस्जिद अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, जो पूरी दुनिया में अपने विशालकाय आकार और खूबसूरती के लिए पहचानी जाती है। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल का संबंध मुगल काल से है। दुनिया के सबसे पुराने मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद का नाम आता है। लाल किला और ताजमहल के साथ ही मुगल शासक शाहजहां ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया। कहा जाता है इसे बनवाने में कई लाख रुपए उस समय खर्च किए गए। इसके अलावा लगभग 5,000 से भी ज्यादा मजदूरों ने इस मस्जिद को बनाया। ये मस्जिद अंदर और बाहर दोनों तरफ से ही सुंदरता का प्रतीक है। दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है। इसकी विशालता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ एक साथ लगभग 25,000 लोग बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। इस मस्जिद को खूबसूरत संगमरमर और लाल पत्थर से बनाया गया है। बलुआ पत्थर और दूध की तरह चमकदार सफेद संगमरमर इस मस्जिद में बेहद खूबसूरत लगता है। 1656 में जब जामा मस्जिद बनकर पूरी तरह तैयार हो गई, तब उसके उद्घाटन के लिए उज़्बेकिस्तान के इमाम को बुलवाया गया, जिसका नाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी था। जामा मस्जिद के विषय में बताया जाता है कि 1857 में जब दिल्ली में स्वतंत्रता संग्राम के लिए आंदोलन शुरू हुए, तब अंग्रेजों ने जामा मस्जिद को निशाना बनाया। स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की जीत के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने मस्जिद के बाहर अपने सिपाहियों को खड़ा कर दिया और वो इसे हथियाना चाहते थे। कहा जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत जामा मस्जिद को तोड़कर दिल्ली शहर को सबक देना चाहती थी, लेकिन जनता के आक्रोश के कारण अंग्रेजों को अपना फैसला बदलना पड़ा। कहा जाता है कि अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद जामा मस्जिद की हालत बहुत खस्ता हो गई थी। जगह जगह से मस्जिद जर्जर हो चुकी थी। इसीलिए 1948 में हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने मस्जिद से एक चौथाई भाग की मरम्मत के लिए लगभग 75,000 देने की सहायता की थी। हैदराबाद के निजाम ने लगभग 3 लाख रुपए का अनुदान दिया और मस्जिद के बाकी हिस्से भी पुराने नहीं दिखने चाहिए, ये कहा था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण एक ऊंची पहाड़ी पर किया गया था, जिसके कारण वर्तमान में आसपास के कुछ शहरों की सतह से ये कुछ मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बताया जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम से पहले जामा मस्जिद के आसपास और भी कई चीजें हुआ करती थीं, लेकिन विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने इसे नष्ट कर दिया। जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार बलुआ पत्थर के पत्थरों से निर्मित है। मस्जिद के सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश द्वारों में पूर्वी द्वार आता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3 मंजिल जितनी है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।